आदमपुर उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी ने भव्य बिश्नोई, कांग्रेस ने जयप्रकाश और आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो उधर इनेलो ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। तो ये चार तस्वीरें देख रहे हैं और यही चार प्रत्याशी हैं जो मैदान में उपचुनाव में देखने को मिलने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई, कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश, सत्येंद्र सिंह प्रत्याशी आम आदमी पार्टी और कुर्डाराम इनेलो के प्रत्याशी हैं। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस और इनेलो प्रत्याशी नामांकन भी भरने जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर और अहम जानकारी है। आपको बता दें कि आदमपुर के दंगल में भव्य चुनौती यहां पर देखने को मिलेगी। कांग्रेस ने जेपी, आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को उपचुनाव के मैदान में उतारा है। तो आपको बता दें कि आदमपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर हर एक पार्टी कमर कसती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की ये अहम जानकारी है। ये चार तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इनेलो की तरफ से भी अपने प्रत्याशी का जो ऐलान है वो यहाँ पर हो चुका है। आपको बता दें कि कोरडाराम को उन्होंने मैदान में उतारा है। इस वक्त की अहम जानकारी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी लगातार तैयारी चल रही है। देखिए, भव्य बिश्नोई की बात करते हैं। आदमपुर पूर्व सीएम भजनलाल का गढ़ रहा है आदमपुर। इनेलो में तैयारी लगातार चल रही है। आपको बता दें कि ये सीट भजनलाल परिवार के सिवा कोई नहीं जीत सका है अभी तक। पिता कुलदीप बिश्नोई का लोगों में रसूख है, आदमपुर की जनता से कम जुड़ाव, कमजोरी बता रहे हैं आपको। परिवारवाद का ठप्पा और दल बदल के कारण छवि खराब हुई है। भव्य लोकसभा चुनाव में भी हार गए थे। भव्य के पास राजनीति का अनुभव बेहद कम है। विदेश में पढ़ाई के कारण क्षेत्र की संस्कृति का कम ज्ञान है। विदेश दौरे को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहते हैं। ताकत बता देते हैं। आदमपुर पूर्व सीएम भजनलाल की विरासत। पूर्व सीएम भजनलाल का गढ़ रहा है आदमपुर। इलाके में बिश्नोई समुदाय के काफी वोट उनको मिलते हैं। ये सीट भजनलाल परिवार के सिवा अभी तक कोई नहीं जीत सका है। पिता कुलदीप बिश्नोई का लोगों में रसूख भी है। अब आपको कमजोरी बताते हैं भव्य बिश्नोई की। आदमपुर की जनता से कम जुड़ाव है उनका। परिवारवाद का ठप्पा और दल बदल के कारण छवि को नुकसान पहुंचा है। भव्य लोकसभा चुनाव में भी हार गए थे। भव्य के पास राजनीति का अनुभव बेहद कम है। विदेश में पढ़ाई के कारण क्षेत्र की संस्कृति का भी कम ज्ञान है।